Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. सपनों की नगरी कही जाने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें, फिल्म स्टार्स, चकाचौंध, ये सब जहन में आता है। मगर इस शहर का दिल माना जाता है धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती। स्लम डॉग मिलियनेयर और गली बॉय जैसी फिल्मों में आपने इसकी झलकियां जरूर देखी होंगी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसी माया नगरी के सबसे महंगे इलाके से सटी हुई ये झुग्गी बस्ती है धारावी। अमीर और गरीब के बीच की दूरी करीब से यहाँ देखने को मिलती है और जिंदगी की जद्दोजहद में दिन रात फंसे लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती की काया पलट करने का जिम्मा उठाया है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने। इससे क्या होगा, धारावी के लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा और खासकर अडानी ग्रुप को इससे क्या फायदा मिलेगा, इस सब के बारे में जानकारी देंगे हम आपको इसी वीडियो में। तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी रियल्टी ने धारावी स्तंभ के कायाकल्प के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीत ली। अडानी इंफ्रा ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। बोली लगाने में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा, जिसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग 20 सालों से अटका हुआ है। साल 1882 में अंग्रेजों की बसाई गई ये झुग्गी बस्ती ऐसी जगह पर है जो कि रियल एस्टेट के सोने की तरह है। ये मुंबई के सेंट्रल हिस्से में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के करीब है। भारत का रिचेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। धारावी स्लम एरिया की कुल आबादी 10 लाख के करीब मानी जाती है। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डेंस पॉपुलेशन है। 100 वर्ग फीट की छोटी सी झुग्गी में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियां तो ऐसी भी बनी हैं जिनमें कारखाने भी हैं और घर भी। लगभग 80% लोग पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सोच सकते हैं आप कि किस तरह के लिविंग कंडीशंस होंगे धारावी के। सकरी गलियों के चलते यहां पर साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। धारावी की झुग्गी बस्ती में दिहाड़ी मजदूर के अलावा अपना कारोबार करने वाले लोग भी रहते हैं और इस बस्ती के दोनों तरफ रेलवे स्टेशन है। बस्ती में चमड़े की चीजें, गहने और मिट्टी की सजावट बर्तन तैयार किए जाते हैं। इस बस्ती में बनी चीजें फिर देश विदेश में बिकने जाती हैं। यहाँ 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा कारखाने हैं जो कि एक एक कमरे में बने हुए हैं। यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी जुड़े हुए हैं। देखो तो नहीं लगता सर, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ यही सुनता हूँ कि ये धारावी रिजर्व डिपार्टमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं, खाली पेपर में ही रह जाता है न्यूज बन के। जब जब चुनाव आता है तब तब सिर्फ ये बातें निकलती है, पेपर में छपकर आता है कि धारावी विकास होगा, धारावी विकास हुआ। हमारे दादाजी थे, वो बेटा धारावी विकास होगा, बिल्डिंग में जाएंगे, वो सपना देखते देखते वो ऊपर चले गए। पिताजी बाल काले से सफेद हो गए, वो भी ऊपर चले गए। अब मेरी सफेदी आ गई है, क्या पता धारावी विकास होगा या नहीं होगा, सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा लोगों को? सरकार चाहती है कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में ना हो, बल्कि इसे एक अच्छी बस्ती के नाम से पहचाना जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत झोपड़ियों की जगह पक्के अच्छे घर बनाए जाएंगे और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी। तंग गलियों की जगह खुली सड़कें होंगी। प्रोजेक्ट के 17 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यहां रहने वाले लोगों को 7 साल में पक्के घरों में बसाने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 करोड़ वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन आएगी। जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में पक्का मकान दिया जाएगा, जबकि वो लोग जो 2000 से 2011 के बीच आकर यहाँ बसे हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। अभी हमको दिखाया जा रहा है कि 300 स्क्वायर फीट मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमको वादा किया गया था कि 400 से ज्यादा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है लोगों का। दूसरी चीज, रेसिडेंस के बाद में यहाँ पर कमर्शियल एक बहुत बड़ा हब है धारावी। यहाँ पर लेदर का, गारमेंट्स का कुम्हार है और इस तरीके से बहुत सारे समाज के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर रहते, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एडजस्ट करने के लिए अभी तक कोई भी रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग जब हमसे पूछते हैं तो हम लोगों को एक इलाके का कॉरपोरेटर होने के नाते हम कोई भी सुझाव लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या है। खाली हमको मालूम पड़ रहा है कि ये टेंडर हो गया और टेंडर
अडानी ग्रुप को मिल गया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से साफ सुथरी कोई भी ऐसी बात हमारे तक नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर कि आखिर देश का सबसे बड़ा ग्रुप देश की सबसे पुरानी बस्ती के पुनर्विकास में इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है, अडानी ग्रुप को इससे क्या फायदा पहुंच सकता है। देखिए, भारत के जो फाइनेंशियल सेंटर है उसका प्राइम रियल एस्टेट स्पेस में एक्सेस होगा अडानी ग्रुप के पास। धारावी में अडानी की होल्डिंग का व्यावसायिक मूल्य बहुत बड़ा होगा। विकास की लागत को क्रॉस सब्सिडी देने का राज्य सरकार का फैसला अडानी समूह के लिए एक बड़ा लाभ है। इस झुग्गी बस्ती को रीडेवलप करने के लिए मुंबई में लाखों वर्ग फुट की जमीन मिलेगी, जहां अडानी ग्रुप रेजिडेंशियल कॉलोनी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हें बेचेगा, जिससे ग्रुप को एक बड़ा राजस्व मिलेगा। लोगों के पुनर्वास का काम धारावी पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में जो जमीन लेगा उससे उसे मुनाफा होगा। साथ ही धारावी की बस्ती मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर प्रवासी ज्यादातर मजदूर जो हैं वो रहते हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं और दिहाड़ी पर काम करते हैं, तो उसमें भी काफी आसानी होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो विजन है इस प्रोजेक्ट का वो पूरा होता है या नहीं, क्या वाकई में इससे लोगों का फायदा होता है जो वहां पर सालों से रह रहे हैं और लगातार उनको प्रॉमिस किया जा रहा है कि धारावी की कायाकल्प होगी, क्या वाकई में धारावी की कायाकल्प होती है नहीं, ये बड़ा चैलेंज होने वाला है अडानी ग्रुप के लिए और सरकार के लिए भी।